नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज हम लोग NSDL पैन कार्ड पाम ब्रांच ID को लॉगिन करके पैन कार्ड बना के दिखाएंगे आपको कि फिंगरप्रिंट के द्वारा पैन कार्ड कैसे बनाइएगा। तो जैसे ही हम NSDL पाम ब्रांच ID को यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन किए, लॉगिन करने का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप EKYC पैन कार्ड, करप्शन पैन कार्ड और इनकम्प्लीट पैन कार्ड भी आप कर सकते हैं। जिसको बना के छोड़ दिया तो इनकम्प्लीट, वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम न्यू पैन कार्ड पर गए तो यहाँ पर कस्टमर का डिटेल्स डाल देंगे, जैसे ही कस्टमर का आधार कार्ड नंबर, देन इसका टाइटल सेलेक्ट करना है श्री श्रीमती कुमारी, इसके बाद एप्लीकेंट का लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और कंसेंट पे वहाँ पे टिक बॉक्स में टिक लगा के सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम फिल कर लेते हैं, फिल करके पूरा प्रोसेस आगे दिखाते हैं, यहाँ पे ओके कर लेंगे। और आपको भी अगर NSDL पाम ब्रांच ID चाहिए तो ईजिली आपसे हमसे संपर्क करके आसानी से ID क्रिएट करवा सकते हैं। देन यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली दिखाया, यहाँ पे ओके कर दिए। सेकेंड स्टेप पे हम लोग आ गए, यहाँ पे भी डिटेल्स आपका फिल किया हुआ रहेगा, जो भी आप डिटेल्स पहले डाले। देन यहाँ पे सारा चीज़ देखने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे पूछा जाता है यू हैव बीन नाउ बाई अदर नेम, अदर नेम आपको ऐड करना है तो एस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। तो हमको नो पे ही टिक लगा के आगे बढ़ाना है। यहाँ पे भी नो पे टिक लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मदर्स नेम डालना ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंट इन पैन कार्ड, यानी फादर्स का नेम पैन कार्ड में प्रिंट रहेगा, तो वहाँ पे फादर्स पे टिक लगा हुआ रहेगा और नेक्स्ट का। देन नेक्स्ट स्टेप पे है, यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड इज एस रहेगा, हमको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। देन यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप नो इनकम डाल सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का कह रहा है कि आप कौन सा कंट्री से हैं। यहाँ पर फॉरेन कंट्री का भी आप इस ID से पैन कार्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे एरिया कोड, STD कोड डालने के लिए कह रहा है, तो एसटीआई कोड में 091 भी कर सकते हैं और आपका लैंडलाइन STD कोड भी डाल सकते हैं, जैसे 064 59 064 56, जो भी आपका एरिया कोड है, STD कोड है, वो डाल दीजिएगा। और देन नेक्स्ट स्टेप, कस्टमर का टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालिए ताकि जब भी उनका फिजिकल पैन कार्ड उनके एड्रेस पे आएगा तो वहाँ पे उनसे जो भी पोस्ट ऑफिस, जो भी कोरियर मैन रहेगा उससे कांटेक्ट कर सके। और ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हैं, क्योंकि आपको प्रिंट निकाल के कस्टमर को देना है। ईमेल पे आपको ये पैन कार्ड 1 से 2 घंटा के अंदर मेल में आ जाता है, हार्ड इसका पैन कार्ड, उसको प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं और उससे पूरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप मेल आईडी अपना ही डालिए ताकि आपको प्रिंट निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और प्लेस डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक रहेगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप आसानी से फिंगरप्रिंट के द्वारा मोबाइल से ही पैन कार्ड बना सकते हैं, और ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट का है। इजीली आप पैन कार्ड अप्लाई करके विद इन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा में आप प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट करने पर ये दूसरा नेक्स्ट पेज खुल गया, यहाँ पे AO कोड, एरिया कोड मांग रहा है, आपको याद है तो आप डाल सकते हैं। देन यहाँ से आप फिल करके ले सकते हैं, इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद स्टेट, कौन सा स्टेट से हैं आप, वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और वो AO कोड, एरिया कोड आपका इजीली वहाँ पे शो कर जाएगा नीचे। यहाँ पे आप सिटी आ गया, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका AO कोड, एरिया कोड आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमको, सारा प्रोसेस फिल करने के बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे हम, तो देन ऊपर में आप देखिएगा ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस स्टेप से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, इस प्रोसेस से आपको फिंगर के द्वारा कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, इसमें आपको एडिट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा या कंफर्म करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा नीचे। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी ले लेते हैं, पूरा स्पेलिंग वगैरह सारा चीज़ें देख लेते हैं। देख लेने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ाए के फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप फिर फाइनल प्रोसेस कीजिएगा तो आपका फिंगर डिवाइस का लाइट जलने लगेगा, आप इजीली कस्टमर का फिंगरप्रिंट के द्वारा आप पैन कार्ड बना सकते हैं। विद इन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर आपको पैन कार्ड मेल पे आ जाता है। तो यहाँ पे सारा रिव्यू हम कर लेते हैं। मेल आईडी आपका सही होना चाहिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर आपको लगे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म करके प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आप 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको पैन कार्ड बनाने के लिए, OTP बेस के द्वारा भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं और फिंगर डिवाइस के द्वारा भी। तो फिंगर डिवाइस पे क्लिक किए हम, इजीली आपका लाइट जलने लगेगा डिवाइस में। इसमें मॉर्फो, मंत्रा दोनों काम करता है,
और कोई भी ज़्यादा सेटिंग नहीं है कुछ आपको। मोर्फो है तो मोर्फो का एप्लीकेशन रहना चाहिए, मंत्रा है तो मंत्रा का एप्लीकेशन आपको मोबाइल में रहना चाहिए। आप इजीली फिंगर कैप्चर करके आसानी से बना सकते हैं पैन कार्ड। देन यहाँ पे फिंगर सक्सेसफुल कैप्चर हुआ और यहाँ पे सक्सेसफुल कैप्चर का मैसेज आपको दिख गया, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद फिर जो स्टेप से आप आगे बढ़ते हैं दोबारा उस स्टेप से प्रोसेस आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम ईसाइन विथ फिंगर के बायोमेट्रिक्स के द्वारा फिर प्रोसेस आगे बढ़ाएँ। देन यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन रीड कर लेना है, ओके कर लेना है। और यहाँ पे फिर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर हम इंटर करेंगे और टिक बॉक्स में टिक लगाएंगे, देन फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा आपका। तो जैसे ही हम कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम टिक बॉक्स में टिक लगाएंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे ब्लूटूथ वायरलेस उसके द्वारा भी आप डिवाइस वायरलेस डिवाइस के द्वारा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्चर फिंगर का ऑप्शन है, कैप्चर फिंगरप्रिंट उस पर ही क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद फिर अगेन डिवाइस में लाइट जला और फिर कस्टमर का हम फिंगर कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इस आईडी को लेके ब्रांच आईडी यानी NSDL पाम ब्रांच आईडी लेके आप आसानी से पैन कार्ड बना सकते हैं EKYC के द्वारा। ओके कर लेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे में सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर लेंगे हम। सबमिट करने के बाद यह फाइनल स्टेप आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका पैन कार्ड जनरेट हो गया। विद इन 1 से 2 घंटा के अंदर आपको मेल में पैन कार्ड मिल जाएगा, अभी आपको रिसीविंग मिल जाएगा मेल में। और एक पैन कार्ड का 107 रुपया चार्ज है और आपको अच्छा कमीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है NSDL पाम ब्रांच आईडी में। और आप चाहें तो हमसे संपर्क करके ब्रांच आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं, आप व्हाट्सएप में कॉल में संपर्क करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा बैलेंस ज़्यादा था, 107 रुपया कट के 499 रुपये बचा। तो फिर इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।